ट्रेवल ड्रीम मतलब सपनों का सफर, जहां मंजिलों से खूबसूरत रास्ते हुआ करते हैं, जहां इरादों से भी मजबूत हौसले हुआ करते हैं। आइए मैं लेकर चलता हूं आपको एक ऐसे ही सपनों के सफर पर। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बार एक और नए वीडियो में। अपना ट्रैवल ड्रीम जारी है, यानी कि सपनों का सफ़र जारी है, और एक और खूबसूरत सुबह की आप सभी को नमस्कार। तो साथियों, टाइम लगभग 10 बजने वाले हैं। उठा हुआ तो मैं काफ़ी देर का हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं लैपटॉप वगैरह डाटा ट्रांसफ़र करने में लगा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा एक और अपने जो जहाँ मैं रुका हूँ होटल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब खास नहीं है, लेकिन रुकने के लिए ठीक है। रात को लेट आए थे तो सिर्फ 10-11 बज गए थे, तो सोना था इसलिए जैसा भी मिला वो मिला, लेकिन ठीक है सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो मैं काफ़ी देर से जो है नज़ारे देख रहा था अपने होटल से, जो एक लोगों का सपना होता ना कि भाई साहब मेरे कमरे से या मेरे फ्लैट की खिड़की से ऐसा नज़ारा, ऐसा नज़ारा देख रहा था। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो एक खूबसूरत सुबह का नज़ारा देखिए मेरे होटल की बालकनी से, कमरे से देखिए। पहले ये देखिए, ये भाई साहब पहाड़ियों का नज़ारा, ये अगर दिख रहा हो तो ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो साथियों, मैं पहुंच गया हूं अपने सपनों के सफर पर, लेह लद्दाख के सफर पर। कल रात को पहुंच गया हूं लेह, और यहां भी टेम्परेचर 8 डिग्री ही है, हालांकि यहाँ रात में इतनी ठंड नहीं होती और हल्की हल्की धूप यहाँ आ रही है। तो आइए एक बार कराता हूँ नज़ारा अपने होटल से कुछ इस तरीके का। ये देखिए क्या खूबसूरत भाई साहब, खूबसूरत पहाड़ी, पहाड़ियों पर ऊपर बर्फ, रंग बिरंगी पहाड़ी, कहीं काली पहाड़ी कहीं मिट्टी वाली पहाड़ी, और ये नज़ारा देखो भाई साहब, ये टिपिकल लेह लद्दाख वाला नज़ारा जो है, जो हम फोटो वगैरह में देखते हैं वो है। तो दोस्तों, अब देखते हैं, आज का फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, क्या प्लान बनता है ये मैं बताता हूँ। पहले फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद दोस्तों, मैंने अपना वो होटल छोड़ दिया है, क्योंकि वो हज़ार रुपये पर डे पे था, थोड़ा मुझे महंगा लग रहा था। हालांकि बस स्टैंड के पास ही था, लेकिन मैंने वहाँ से चेकआउट कर दिया। अब दूसरा मैंने हॉस्टल जो है वो 450 रुपये का वो क्या है, क्योंकि इस रात को खाली सोना ही है, और आज देखता हूँ कुछ लोकल कहीं घूम सकता हूँ। तो अभी मैं एक्चुअली आया था पेंगोंग झील के लिए बुकिंग के पता करने, कि मेरे पीछे जो है बस स्टैंड पे एक्चुअली पेंगोंग वगैरह झील जो लोकल बस चलती है, बस स्टैंड पे इसका इंक्वायरी ऑफिस और बुकिंग ऑफिस है। लेकिन फ़िलहाल ये अभी मना कर रहे हैं कि पेंगोंग के लिए कोई बस नहीं चल रही है, सरकारी बस मतलब, ये इनका कहना है कि अब टैक्सी से आपको जाना पड़ेगा। अब टैक्सी का कितना कैसे होगा ये मुझे पता करना पड़ेगा। और बस स्टैंड पर देखिए कुछ ऐसा नज़ारा, बस स्टैंड बिल्कुल एकदम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, एकदम बस स्टैंड के सामने ही है, उसके बिल्कुल बगल में मैं रुका हुआ था। तो अभी पहले फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि अपने हॉस्टल चलते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से देखते हैं कल का प्रोग्राम बना के। डिग्री कॉलेज जाने के लिए, डिग्री कॉलेज जाना है यहीं से जाएगी। तो ये रेड वाली जो बसी है यही जाती है? हाँ। कितना किराया इसमें? पता नहीं किराया, आपको नहीं पता? देखते हैं, चलो लोकल इसमें चलते हैं। बसें जाती है, मतलब बसेज तो जाती है तो पता है ना, कन्फर्म यही जाती है रेड वाली जो आ रही है। चलो ही पता करता हूँ, पता करना। अच्छा,
से बस स्टैंड जो है इसी के पास ही लोकल बस का वो भी है, तो अभी जो आएगी उसमें पता कर लूँगा ना। ये तो ज़्यादा वो उस रास्ते पे नहीं पड़ता हूँ। हाँ इसी रास्ते पे पड़ता मगर हॉट हॉट रास्ते पे आगे नहीं जाती। अच्छा डिग्री कॉलेज की आप तो वहाँ हालत तो वहाँ गाँव से गाड़ियाँ जाती है ना। अच्छा उसी में साथ ही चलिए पता करता हूँ। स्टैंड पे चलते हैं वहाँ चल के पता करता हूँ। ये स्टैंड है भाई साहब लोकल बसों का, देखो ये जो इंटरस्टेट जो बस स्टैंड जो है ना उसके बिल्कुल बगल में ही ये इंटरसिटी वाला बस स्टैंड है जो लोकल के लिए चलती है। ये डिग्री कॉलेज जाना है कौन सी बस जाएगी पता है कुछ? ये इधर पास में ही होगी डिग्री कॉलेज के लिए कौन सी जाएगी? अच्छा अभी आएगी लेकिन दूसरी बस बता रहे हैं जाएगी जब तक वेट करता है। जिस पे चोकलम सर लिखा होगा वो बस जाएगी और यहाँ पे कई बसों पे लिखा हुआ है लेकिन कौन सी जब जो जिसकी बारी होगी वो जाएगी। चलो तो वेट करते हैं चोकलम सर ये भी जा रही है उसके ऊपर ये खाली जा रहा है। इस स्टैंड के उस साइड में जो है वो इंटरस्टेट बस है जो श्रीनगर कारगिल मनाली केलोंग वगैरह मतलब जो है श्रीनगर वगैरह मतलब इंटरस्टेट जो बस जाती हैं वो उधर है लंबे रूट वाली। और ये जो ये बिल्कुल इसके बराबर में स्टैंड है ये जो है मतलब लोकल बस स्टैंड है यहाँ पर जो चलती है। ले बस स्टैंड के पास ही ये इंटरसिटी बस है जहाँ पर आपको टेम्पो ट्रेवलर और ये मिनी बस जो आप देख रहे हैं ये खड़ी हुई मिलेगी। यहाँ से आप ले में कहीं भी 10 से 20 रुपए में जा सकते हो। तो भाइयों मैंने तो वॉक शुरू कर दिया यार वो बस स्टैंड पे उनका पता ही नहीं चल रहा था। वो जिस गाड़ी में मुझे जाना था वो गाड़ी तो खड़ी थी वहाँ पर लेकिन कोई ना तो कोई सवारी बैठ रही थी इसमें ना कोई बिठा रहा था। कभी अपनी मर्जी से जा रहे थे अपनी मर्जी से आ रहे थे। तो मैंने तो मैप लगाया और मैं चल दिया। मैप में देखा जिस साइड में दिखा रहा वहाँ पे जो ना उतराई है यानी कि चढ़ाई नहीं है और 1.5 किलोमीटर दिखा रहा था तो 1.5 किलोमीटर तो आराम से चल सकते हैं। अब जो हम इस साइड में चल रहे हैं देखते हैं एकदम शांत है एरिया। हल्की धूप निकल गई है लेकिन जो है ना धूप में भी मतलब गर्माहट नहीं है जैसे मतलब धूप निकले तो गर्मी लगती है ना पसीने वाली गर्मी वो नहीं है। धूप निकल रही है लेकिन मौसम ठंडा है। टेम्परेचर शायद 13 या 14 होगा। सुबह मॉर्निंग में 8 डिग्री था अभी 13 या 14 होगा। एकदम जो है ना सुबह से मैं देख रहा हूँ पता नहीं लॉकडाउन की वजह से है या कैसे है एकदम शांत सिटी है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो चल रही है लेकिन भीड़ भड़कता नहीं बहुत ज़्यादा। हालांकि बाइकर्स मुझे बहुत मिल रहे हैं।
दोस्तों, 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब मेरा हॉस्टल जो है वो केवल और केवल 50 मीटर की दूरी पर रह गया है। लेकिन खास बात यह है कि मुझे बिल्कुल भी पसीने नहीं आए और मेरा हिमालयन बंद 50 मीटर। हिमालयन बंकर यही है। थैंक यू थैंक यू। तो ये आ गया अपना हिमालयन बंकर। और रिसेप्शन पे है कोई? Anybody is here? बुकिंग थी सचिन के नाम से। सचिन जी बैठी सर। ओके सचिन जी 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 बैठिए। तो पहुंच गए हॉस्टल, जरा कुछ कागजी कार्रवाई पूरी कर लें उसके बाद मिलते हैं। तो साथियों, कल का प्रोग्राम तय हो गया है। कल हमें जो है पेंगोंग जाना है और पेंगोंग जो है हम ट्रैवल कर रहे हैं बाइक से, क्योंकि टैक्सी बहुत महंगी पड़ रही है। पर पर्सन 4,000-5,000 इतनी जो है टैक्सी पड़ रही है। तो हम लोग जो है, हम चार लोग मिल गए हैं, दिल्ली से ही हैं हम लोग, तो हम चारों लोग एक साथ जा रहे हैं। हमने दो बाइक लिए, दो बाइक का इन्होंने जो हमसे लिया है वो 1600 रुपये पर बाइक के लिए है ना, 500 सीसी, और इनका जो है 500 सीसी का रॉयल इनफील्ड का 500 सीसी 1600 पर बाइक के लिए हमने दो बाइक लिए इनसे। और इनकी शॉप का नाम जो है वो जो ले का जो माल रोड जो है उसके बिल्कुल ठीक सामने याक ट्रैवल के नाम से। याक ट्रैवल, क्या नाम है आपका? नवांग। नवांग नाम है। तो आओ, तो ये डिस्काउंट भी देंगे, इन्होंने वादा किया है। जो भाई लोग भी इस वीडियो को देख के आएंगे उनको दिखाना है, वो ये डिस्काउंट भी देंगे, इन्होंने पक्का वादा किया है। अगली बार मैं आऊँगा तो मुझे तो और भी बोला है, तो अगली बार का बाद में देखते हैं। तो कल की तैयारी करते हैं, अभी हम जा रहे हैं बाइक देखने, बाइक की कंडीशन देखेंगे, थोड़ा सा उसको चलाएंगे ताकि हमें यूज्ड हो जाए और माउंटेन्स में हम उसको बहुत अच्छे तरीके से चला सकें। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं? गोदाम। तो अभी हम पहुँच गए हैं गोदाम में बाइक टेस्टिंग के लिए, कल पेंगोंग के लिए जानी है। और तो ये बाइक हमने लिए, दो बाइक लिए, एक्चुअली एक ब्लैक और एक कलर की। कलर आप उसमें मतलब जो कल चेंज करा चलते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बाइक कभी भी लो तो उसको चेक करके लेना, उसमें कोई भी खराबी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कल जो है, कल मिलते हैं सीधा कहाँ? पेंगोंग लेक। भाई लद्दाख का ट्रिप जो मैंने वो कहा था हरियाणा HRTC में, वो कंप्लीट कर दिया। और यहाँ भी पेंगोंग भी मैं HRTC में जाता, अगर चल रही होती तो, यहाँ बंद है HRTC की, तो इसलिए सीधा जो हम बाइक लेके जा रहे हैं कल पेंगोंग, और वहाँ स्टे करेंगे और परसों आएंगे।